दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में जीत के बाद यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने छुए रोहित शर्मा के पैर, तो पाकिस्तान के दिग्गजों ने दिया हैरान कर देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम को जीत मिली है, जिसके बाद सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा के पैर छुए, जिसको देख कर पाकिस्तान के दिग्गजों के होश उड़ गए हैं। इस बीच शोएब मलिक, रमीज राजा से लेकर शोएब अख्तर, वसीम अकरम ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान के द्वारा रोहित शर्मा के पैर छूने पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और रोहित शर्मा में किसने इस मैच में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट में भारत को 434 रनों से जीत मिली है। इस मैच में भारत ने 445 रन पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे और इसका पीछा कर इंग्लैंड की टीम ने 319 रन बना पाई और भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 430 रन चार विकेट खोकर पारी घोषित किया और 556 रनों की लीड हासिल कर 527 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड को दे दिया था और इंग्लैंड की टीम को 122 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जिसके चलते भारतीय टीम इस मैच को जीत गई। और ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल ने बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कप्तान रोहित शर्मा को इसका जिम्मेदार बताते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिसको देखकर सभी के होश उड़ गए थे। जिसमें शोएब मलिक ने बयान देते हुए कहा कि जायसवाल और सरफराज खान का मैच में जीत हासिल करने के बाद कप्तान रोहित शर्मा का पैर छूना काफी बेहतरीन बात है, हालांकि मैं उनके कल्चर के बारे में बखूबी तरीके से जानता हूं और मुझे मालूम है कि भारतीय टीम की तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा का शुक्रिया अदा करना इन दोनों का दायित्व है, क्योंकि अगर कप्तान रोहित शर्मा इन दोनों को टीम में शामिल नहीं करते तो शायद दोनों का बेहतर प्रदर्शन कर पाना मुश्किल होता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसी वजह से दोनों ने आज अपने कप्तान का धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे भी इसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रण कायम किया है। तो वहीं रमीज राजा ने बयान देते हुए कहा कि भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से इस मैच में काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की, साथ ही में सरफराज खान ने एक बार फिर से टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने पहले मैच में सभी को बता दिया कि उनकी टीम के अंदर किसी न किसी वजह से शामिल करना चाहिए। आज के दिन दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद भारत को जीत दिलाई है और कप्तान रोहित शर्मा के पैर छुए। कप्तान रोहित शर्मा काफी खिलाड़ियों के आदर्श हैं। ऐसे में दोनों ने जो काम किया है वो वास्तव में मेरे दिल को छू बैठा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति के अनुसार अपने से बड़ों को अब भारतीय खिलाड़ी काफी ज्यादा सम्मान करते हैं, जो यहाँ देखने को मिला है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि मैं भारत की संस्कृति को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, मुझे मालूम है कि भारत में किस तरीके से लोग दूसरों का सम्मान करते हैं, हालांकि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि नॉर्मल जीवन में भी अपने से बड़ों का सम्मान हर कोई करना जानता है। ये संस्कृति भारत की संस्कृति नहीं बल्कि दुनिया की संस्कृति में देखने को मिलता है, लेकिन भारत की संस्कृति कुछ ज्यादा ही अलग तरीके से देखने को मिलती है, जहां पर एक बार फिर से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपने आदर्श खिलाड़ी का सम्मान करते हुए मैदान पर ही आशीर्वाद लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कप्तान रोहित शर्मा ने दोनों को इतना बड़ा मौका दिया है जिसके कारण दोनों ने कप्तान रोहित शर्मा का आशीर्वाद लिया। तो वहीं वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान दोनों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, दोनों ने अपने प्रदर्शन के जरिए सभी को प्रभावित करके मैच में भारत की जीत के लिए मुख्य भूमिका निभाई और ऐसे में दोनों ने जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया उसको देखकर मैं काफी खुश हूं। लेकिन मैच के बाद दोनों ने जिस तरीके से कप्तान रोहित शर्मा का आशीर्वाद लेकर उनके चरण स्पर्श करिए उसको देखकर मैं ज्यादा खुश हूं, क्योंकि आज उन्होंने सभी को प्रभावित कर दिया है और बता दिया कि उनसे बेहतर खिलाड़ी कोई भी नहीं है। ऐसे में भारत के दोनों बल्लेबाजों को द्वारा किए गए इस काम की मैं सराहना करता हूं और उनका सपोर्ट करता हूं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल के बेहतर प्रदर्शन के पीछे रोहित शर्मा का हाथ था या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।